हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो उम्मीद है कि आपका रमज़ान एंड रोज़े और आप लोग बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। सो आज की वीडियो में है पैनकेक के साथ बेस, क्योंकि गर्मियां बहुत शदीद आ गई हैं। तो गर्मियों में हम क्रीम फाउंडेशन या ऐसा कोई फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते जो ऑयली हो, तो हमें बहुत ही लाइट वेट फाउंडेशन अप्लाई करने चाहिए हैं। मतलब जो पैनकेक होते हैं, ड्राई केक होते हैं, ये तो बहुत बेस्ट होते हैं गर्मियों में। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाई है, आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगी। तो उससे पहले मैंने इसको थोड़ा सा प्रेप किया है। ये IQ ऑर्गेनिक्स का वाइटामिन सी सीरम है, लेकिन बिल्कुल स्टिकी नहीं है, बिल्कुल ऑयली नहीं है। आप लोग अप्लाई करोगे एक दो ड्रॉप बस, फौरन से स्किन में एब्जॉर्व हो जाएगा, बिल्कुल आपको फील भी नहीं होगा आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। बहुत ही लाइट वेट है, ग्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, और आपने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी अप्लाई करनी है। सो बोटैनिक्स का मैंने प्राइमर अप्लाई किया, जो कि पोर्स हैं मेरी मॉडल की स्किन पे, तो वो थोड़े से क्लोज हो जाएं, थोड़े से मिनिमाइज हो जाएं। देन ये है मैक पैनकेक, मतलब कि बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी आप सबकी। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे। तो हर किस्म की बेस को ट्राई करना चाहिए है पैनकेक को। ड्राई पैनकेक मैंने यूज़ किए हैं, ये जो इस तरह का क्रीमी पैनकेक है वो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। सो ये बिल्कुल आपने पेंट की तरह अप्लाई करना है। आप देखेंगे मेरी मॉडल की स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब फेयर स्किन टोन है, उससे भी ज़्यादा ये लाइट है। ये है आइवरी शेड, मतलब इसमें आइवरी F1 और आई थिंक F45 भी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे पास दो पैनकेक हैं, एक है आइवरी एंड सेकंड है F1, जो कि आइवरी बहुत ज़्यादा फेयर है, जो कि मैं लगा रही हूँ आप लोग देख रहे हैं, और येलो अंडरटोन में है। और F1 जो है वो बिल्कुल जो नॉर्मल स्किन टोन होती है उसकी तरह है, मतलब FS45 जो होता है क्रायलोन में, उस तरह का शेड है। सो ये देखिए मैंने पेंट की तरह अप्लाई किया ब्रश के साथ, जिस तरह से मैंने वीडियोस देखी थी कि इसके अप्लाई करने का ये मेथड है। पहले स्टिक अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर ये पैनकेक अप्लाई करते हैं, तो स्टिक जो है लास्टिंग करती है, मतलब कि कहीं भी नहीं जाती आपकी 24 आवर्स तक, तो लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं होता। मैंने सिर्फ जो है ना ये पैनकेक अप्लाई किया है, जिस तरह से हम ड्राई पैनकेक क्रायलोन में यूज़ करते हैं, क्रायलोन का जो ड्राई पैनकेक है, हम कहीं पे जाते हैं तो फ़ौरन से अप्लाई कर दिया और चले गए, तो इसी तरह से ज़रूरी तो नहीं होता कि हम हैवी बेस ही अप्लाई करें, पहले स्टिक अप्लाई करें उसके ऊपर ही अप्लाई करें। तो मैंने सोचा इस तरह से अप्लाई करके देखती हूँ, तो उस तरफ तो मैंने बहुत मुश्किल से इसको ब्लेंड किया, जो मैंने ब्रश से अप्लाई किया था पेंट की तरह, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही स्टकी हो गई थी, फ़ौरन से ड्राई हो गई थी। उसके बाद मैंने स्पंज को गीला किया इस तरह से ट्राई करने के लिए, तो स्पंज बहुत ज़्यादा गीला है, इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ना है, फिर ब्लेंड करना है, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग बहुत मुश्किल है। मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया है तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी, ब्लेंड नहीं हो रही थी अच्छे से। हालाँकि जो पैनकेक होते हैं ड्राई पैनकेक, वो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं, उसमें आपको कोई भी मसला नहीं होता, लेकिन ड्राई पैनकेक से इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि कवरेज बहुत अच्छी है। ये आप देखें मेरी मॉडल की स्किन टोन कितनी फेयर है, चिट्टा भूत बन गई है। ये तो शुक्र कर रही थी मैं कि शुक्र है कि इसकी स्किन टोन फेयर है, वरना यहाँ पे अगर थोड़ी सी डिम स्किन टोन होती तो वो तो मतलब मैं खुद ही डर जाती इसको देख के, मतलब इतना ज़्यादा वाइट। सो इस वाइटनेस को मैनेज करने के लिए, डिम करने के लिए, मैंने ये काशीज़ का प्रेस पाउडर अप्लाई किया है, जो कि इनकी स्किन टोन से डिम है, मतलब बहुत ज़्यादा फेयर अंडर टोन के लिए ये प्रेस पाउडर नहीं है। इस तरह से मैंने अप्लाई किया, और ये स्टिपलिंग ब्रश है, स्टिपलिंग ब्रश से मैं पाउडर क्यों अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो भी पैचीनेस होगी, जो बेस हमारी पैची हो गई है कहीं से, थोड़ी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो ये पाउडर के साथ आप इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे ब्रश को, तो वो सारी जो है ना इक्वल हो जाएगी, मतलब स्मूथ हो जाएगा, वो पैचीनेस ख़त्म हो जाएगी। सो ये ट्रिक है, इस तरह के आप पैनकेक यूज़ करते हैं तो कहीं कहीं से पैचीनेस थोड़ी थोड़ी सी हो जाती है, तो आपने पाउडर के साथ इस तरह से राउंड घुमाना है ब्रश को, तो जो भी पैची होगी जहाँ से भी स्किन, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो पैनकेक होते हैं वो ड्राई होने के बाद ड्राई फॉर्म में आ जाते हैं, पाउडरी फॉर्म में आ जाते हैं, उसके ऊपर हम पाउडर के साथ उसको ब्लेंड करते हैं तो सब कुछ ब्लेंड हो जाता है। तो ये देखें मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया ताकि हमारी बेस थोड़ी सी अच्छी लगे, ग्लो करे, क्योंकि बिल्कुल मैट है ये, गर्मियों की फाउंडेशन है तो बिल्कुल, सॉरी, गर्मियों की वैसे तो बहुत ज़्यादा मैट है, उसको ग्लोई बनाने के लिए ये मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया। तो ये देखें हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद जो है हमारी बेस थोड़ी सी ड्यूवी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मैट नहीं लग रही। इस तरह से आपने हाइलाइटर अप्लाई करना है, तो जो भी मैट आपकी बेस होगी तो वो ड्यूवी हो जाएगी। तो इस तरह का मेथड अप्लाई करने के बाद बेस जिस तरह मैंने अप्लाई की, आपने दोपहर में तो बिल्कुल भी नहीं निकलना, ये सिर्फ नाइट का मेकअप है, और ये मैंने ट्राई किया कि कितनी लास्टिंग करती है, तो ये मेकअप मैंने कंप्लीट किया था, कंप्लीट भी नहीं किया, बीच में से लाइट चली गई थी, तो आप यकीन करें उससे पहले पहले ये बेस फटने लग गई थी। पता नहीं मैंने क्या गलती की थी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ उस तरह का पैनकेक,
लोकल पेनकेक है ये, मुझे यूज़ करने का मेथड इसका नहीं आता। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका सही मेथड क्या है। ये देखिए कॉन्टोर कर रही हूँ मैं फेस को। आपकी बेस अगर बहुत ज़्यादा वाइट भी हो जाती है तो आपने फुल फेस मेकअप करने के बाद उसको डिम करना होता है, तो इस तरह से आप डिम कर सकते हैं। उसके लिए आपने घबराना नहीं है। इस तरह सब कुछ मैनेज हो जाता है। आप ब्लश ऑन अप्लाई करते हो, आप कॉन्टोर करते हो, तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। सो ये देखें कॉन्ट्रोल के बाद कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और इसके अलावा मैंने सेकंड मेथड पे भी ट्राई करना है, मतलब स्टिक अप्लाई करने के बाद ऊपर पैनकेक अप्लाई कर दिया और थोड़ी सी क्वांटिटी में अप्लाई करना है, तो ये सब भी अप्लाई करते हैं। ये तो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट ट्राई था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इसको किस तरह से मैनेज करूँ। जब मैंने स्टार्ट में इसको अप्लाई किया तो आप यकीन करें मैंने बहुत मुश्किल से इसको ब्लेंड किया है, पानी लगा लगा के ब्लेंड किया है, क्योंकि वो एक जगह स्टक हो गई थी। वो जो है मैंने कट किए हुए यहाँ पर क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जानी थी, तो मैं आपको मुँह ज़ुबानी ही बता रही हूँ ताकि आपको नॉलेज हो जाए। कोई चीज़ अगर मुझे सही नहीं लग रही तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ऐसा तो नहीं बोल सकती कि यार ये बहुत ही फ्लॉलेस बेस है, बहुत ही अफोर्डेबल है, आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। और क्या पता इनकी स्किन पे सूट ना करती हो। काफ़ी स्किन ऐसी होती हैं कि हर किसी पे एक तरह की बेस सूट नहीं करती, तो मेरी जिस तरह से स्किन है मुझे भी सूट नहीं करती। मेरे फेस पे इस तरह की मैं बेस अप्लाई करूँ फ़ौरन से पैची हो जाती है, फ़ौरन से फट जाती है। हो सकता है इस मेथड से किसी और को अप्लाई करूँ बेस ये वाली, तो क्या बताऊँ उस पे सूट कर जाए। तो खैर हम सेकेंड मेथड भी ट्राई करेंगे इसका बहुत ही जल्द। और ये ब्लश ऑन में अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ भी आप देखेंगे ब्लश ऑन एंड कॉन्टोर अप्लाई कॉन्टोर करने के बाद जो है हमारी बेस थोड़ी सी डिम हो गई है, बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लग रही, सो ग्लोई भी लग रही है, डोई भी लग रही है, क्योंकि हमने हाइलाइटर इस तरह से अप्लाई किया है। सो सिर्फ मैंने बेस अप्लाई करके आपको दिखाया, कोई चीज़ सही नहीं है तो मैं उसकी फजूल में तारीफ़ नहीं करूँगी। जब तक ये मुझे ख़ुद को सही नहीं लगती, मैंने फ़र्स्ट में अपने फेस पे अप्लाई किया। मैं जो भी चीज़ ख़रीदती हूँ पहले अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, चेक करती हूँ कि क्या पता यार ये अच्छी है या नहीं, लेकिन मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं की। मैंने सोचा मेरी मॉडल पे ट्राई करते हैं, इसको भी सूट नहीं किया। अब स्टिक के साथ इसको अप्लाई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी चेक करते हैं कि ये स्टिक के साथ किस तरह से लगती है और ये लास्टिंग करती है या नहीं। एंड वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको हर बात समझ आए। एंड वीडियो को लाइक करते जाएं क्योंकि आपके लिए ही बनाई है। और मुझे दुआओं में याद कीजिएगा अपने रोज़ों में, जो आप दुआ करते हैं, सो प्लीज़ दुआओं में याद करें। और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।